दोस्तों यूं तो हर साल करोड़ों लोग हवाई जहाज की सवारी करते हैं, लेकिन उनमें से शायद कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें हवाई जहाज के बारे में कुछ पता होता है। एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जानबूझकर हवाई जहाज में सफर कर रहे यात्रियों से बहुत कुछ छिपाती है। तो क्या है इनके वो खास राज और क्यों नहीं बताते ये पैसेंजर्स को पूरा सच, यही जानेंगे फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस खास वीडियो में। Facts on your face. नंबर 7, टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त लाइट्स डिम करना। दोस्तों अगर आपने भी कभी हवाई यात्रा की है तो आप जानते होंगे कि उड़ान भरते और जमीन पर उतरने के टाइम हवाई जहाज की लाइट्स डिम हो जाती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ऐसा करने के पीछे की वजह क्या होती है। खैर बता दूं कि लैंडिंग और टेक ऑफ ही एक हवाई यात्रा के सबसे क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं और इस टाइम ही कोई गड़बड़ी होने की सबसे ज्यादा संभावना भी होती है। कैबिन लाइट्स को इस समय डिम करने के पीछे का मकसद ये होता है कि पैसेंजर्स इस कम रोशनी में आंखों को एडजस्ट कर सकें, ताकि किसी दुर्घटना होने की स्थिति में उनकी आंखों को रीएडजस्ट होने में ज्यादा वक्त ना लगे और उनके लिए अंधेरे में देख पाना मुमकिन हो सके। इसके अलावा टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम प्लेन के इंजन पर इलेक्ट्रिकल लोड को कम करने के लिए भी ऐसा किया जाता है ताकि पावर की कमी ना हो। नंबर 6, बीच हवा में पायलट का सोना। दोस्तों ये सुनने में भले ही बहुत खतरनाक लगता हो, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि 15 से 20 घंटे की लंबी यात्राओं के दौरान ऐसा होता ही है। वजह ये है कि लंबी यात्राएं काफी उबाऊ होती हैं और इतनी ऊंचाई पर होने के कारण आवश्यक ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। ऐसे में नींद आना लाजमी है। यही वजह है कि लंबी यात्राओं के दौरान अक्सर पायलट सो जाते हैं और ये बात फ्लाइट अटेंडेंट्स को भी मालूम होती है, लेकिन आपको कोई नहीं बताता। हाँ ऐसा भी नहीं है कि प्लेन को उस वक्त कोई देख नहीं रहा होता। ऐसी लंबी और बोरिंग यात्राओं में पायलट और को पायलट बारी बारी से प्लेन्स के कंट्रोल्स चेक करते रहते हैं और बाकी के समय प्लेन ऑटो पायलट पर ही उड़ता रहता है। नंबर 5, यात्री की मौत। अब शायद ही आप में से किसी के मन में ये ख्याल आया होगा कि अगर यात्रा के दौरान किसी की मौत हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों हवाई जहाज में यात्रा के दौरान अगर किसी यात्री की मौत हो जाए तो इस खबर के बारे में प्लेन में बैठे किसी भी दूसरे पैसेंजर को पता तक नहीं चलने दिया जाता, बल्कि उस मृतक को उसी की सीट पर कुछ ऐसे बिठा दिया जाता है जैसे कि वो सो रहा हो। और तो और जब तक वो फ्लाइट लैंड नहीं करती तब तक उस शख्स को अपनी सीट से हटाया नहीं जाता, क्योंकि ऐसा करने से कैबिन में पैनिक फैल सकता है। नंबर 4, सीट्स के नीचे होता है एयर होस्टेस और अटेंडेंट्स का रेस्ट एरिया। दोस्तों आपने भी गौर किया होगा कि यात्रा शुरू होने के कुछ समय बाद अचानक से सभी एयर होस्टेस और अटेंडेंट्स गायब हो जाते हैं। बता दूं कि वो कहीं गायब नहीं होते, बल्कि आपकी सीटों के ही निचले हिस्से में बने इन स्पेशल फ्लाइट क्रू रेस्ट एरिया में आराम करने के लिए चले जाते हैं। अलग अलग प्लेन्स में ये रेस्ट एरिया प्लेन के डिजाइन के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। इन कैबिन्स में आरामदायक बेड्स, सेफ्टी बेल्ट्स और वॉशरूम्स के अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होते हैं, ताकि कैबिन या फिर कॉकपिट में जरूरत पड़ने पर नीचे आराम कर रही अटेंडेंट्स को बुलाया जा सके। नंबर 3, जब होता है प्लेन का इंजन खराब। दोस्तों ज्यादातर कमर्शियल प्लेन्स में दो या इससे ज्यादा इंजन फिट होते हैं, और अगर ऐसे जहाज का एक इंजन खराब हो भी जाए तो भी प्लेन पूरी सेफ्टी के साथ उड़ सकता है, और इसीलिए फ्लाइट का पायलट पैसेंजर्स को ये बात कभी नहीं बताता, जबकि कैबिन क्रू को ये बात पता होती है। इसके अलावा कमर्शियल पायलट्स ऐसी सिचुएशन का सामना करने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो हर हालात में पैसेंजर्स को एक सेफ फ्लाइट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, बदल जाता है खाने का स्वाद। दोस्तों ज्यादातर हवाई यात्रियों को अक्सर ये भी शिकायत रहती है कि प्लेन में उन्हें अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें प्लेन या फिर एयरलाइंस की कोई भी गलती नहीं है। ये असर होता है इतनी ऊंचाई पर उड़ने का। असल में 30,000 फीट की ऊंचाई पर ड्राइनेस और लो एयर प्रेशर के चलते हमारी स्मेल करने की सेंस और टेस्ट बड्स दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं, और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमें किसी खाने का कैसा स्वाद आता है ये उसके स्वाद के साथ साथ उसकी खुशबू पर भी निर्भर करता है। इसीलिए एयरलाइंस आपको चाहे कितना भी अच्छा खाना परोस दे आपको उसका स्वाद अजीब ही लगेगा। मीठी चीजें आपको कम मीठी लगती हैं और वहीं नमकीन चीजें कड़वा टेस्ट देती हैं। नंबर 1, जब बीच हवा में बिगड़ जाए मौसम। दोस्तों बीच हवा में उड़ते हुए विमान चाहे कितने भी खतरनाक मौसम का सामना कर रहा हो,
भले ही वो तूफान के बीचों बीच फंसा हो, लेकिन क्रू मेंबर्स आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी देते हैं कि बाहर का मौसम खराब है। कितना सीरियस है ये कभी नहीं बताते, और ये भी इसीलिए कि प्लेन में पैनिक ना फैले। इसके अलावा यात्रा के दौरान धुंध या कोहरे की स्थिति में पायलट कभी भी ये नहीं बताता कि उसे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो यही अनाउंस करता है कि लैंडिंग की जगह थोड़ा कोहरा है, क्योंकि ऐसा कहने से यात्री डरते नहीं। बोनस फैक्ट, ब्लैक बॉक्स। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स का नाम तो आप सभी ने सुना होगा और ये भी जानते होंगे कि इसमें हवाई यात्रा की पूरी रिकॉर्डिंग रहती है, लेकिन नाम से जैसा लगता है ये बॉक्स ब्लैक यानी कि काले रंग का नहीं होता। असल में ये ऑरेंज यानी कि नारंगी रंग का होता है, और ये इतना मजबूत होता है कि प्लेन क्रैश होने की स्थिति में भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब आप सोचेंगे कि इस ब्लैक बॉक्स को नारंगी क्यों रंगा जाता है, तो बता दूं कि वो इसलिए ताकि किसी भी दुर्घटना के बाद ये जमीन पर आसानी से नजर आ सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हवाई जहाज के इन सीक्रेट्स की हमारी ये लिस्ट आज यही खत्म होती है। वीडियो काम की लगी हो तो अकेले अकेले देखकर आगे न बढ़े, और शेयर करें इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी। मिलेंगे जल्दी एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।